केएल राहुल ने छोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ, अब इस टीम से मिलाया हाथ। जी हां, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल टीम्स को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को लेकर खबर सामने आई है कि वो 2025 में एलएसजी नहीं बल्कि आईपीएल की इस बड़ी टीम से खेलते हुए आएंगे नजर। कौन सी है वो टीम, आइए वीडियो के जरिए जानते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। इसके अलावा राहुल और टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच मतभेद भी हमें 2024 आईपीएल में देखने को मिले थे। पिछले सीजन में संजीव गोयनका ने मैच खत्म होने के बाद राहुल को कैमरे के सामने डांट लगा दी थी, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। ऐसे में केएल राहुल अब इस टीम से अलग हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट से अलग होते हैं तो वो किस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ेंगे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार केएल राहुल अपनी पुरानी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। आपको बता दें केएल राहुल ने आरसीबी के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। आरसीबी के बाद राहुल पंजाब किंग्स के लिए भी खेले, इसके बाद वो लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बने थे। जैसा कि सबको पता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पिछले 17 सीजन में ट्रॉफी जीत पाने का सपना पूरा नहीं कर पाई है। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में काफी प्रयास किए लेकिन टीम खिताब नहीं जीत पाई। इसके बाद विराट कोहली जब कप्तानी से हटे तो साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी को कमान सौंपी गई, लेकिन उनकी कप्तानी में भी टीम का हाल बेहाल रहा और ट्रॉफी जीतने का सपना आरसीबी का अब भी सपना ही है। ऐसे में अगर केएल राहुल की आरसीबी में वापसी होती है तो हो सकता है कि उन्हें फाफ डु प्लेसी की जगह टीम का नया कप्तान भी बना दिया जाए। राहुल को आईपीएल में कप्तानी का काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी सीजन्स में कप्तानी की है। हालांकि इन दोनों ही टीमों को भी केएल राहुल ट्रॉफी नहीं जिता पाए हैं, लेकिन एलएसजी उनकी कप्तानी में 2 बार प्लेऑफ का सफर जरूर तय कर चुकी है। ऐसे में राहुल की वापसी से फाफ डु प्लेसी को कप्तानी से हटाया जा सकता है। अब देखना होगा आईपीएल मेगा ऑक्शन में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या केएल राहुल एलएसजी के साथ बने रहेंगे या फिर आरसीबी का दामन पकड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।